तो सक्सेस, हाँ सक्सेस, हर कोई इस वर्ड के पीछे पागल है, सक्सेस हर किसी को सक्सेस चाहिए। लेकिन ये आएगा कैसे? बस इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला। वो क्या है? पिग हेडेड डिसिप्लिन। ये जो पिग हेडेड डिसिप्लिन है, ये आएगी कैसे? गणेश जी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझाने के लिए। तो बेसिकली मैं हूँ सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं जीता जागता, और स्टोरी हम यहाँ से शुरू करते हैं। बेसिकली हुआ ये था कि वेद व्यास जी जो है, जिन्होंने महाभारत को डिक्टेट किया है, अलग अलग सारे वेद लिखे हैं, वो हिमालय पे तप कर रहे थे। वो हिमालय पे तप कर रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी उनके ध्यान में आते हैं, और ब्रह्मा जी वेद व्यास जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आप ये जो महाभारत है उसको आपको लिखना चाहिए, आपकी आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास आपको लिख के देना चाहिए। तो वेद व्यास जी कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मेरी एक दिक्कत है, ये जो महाभारत है, ये जो घटना घटी है, महाभारत हुई है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे घटनाएं हुए थे, मुझे थोड़ा मुश्किल होगा इन सबको साथ में लिखने में, तो मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि वेद व्यास जी आप एक काम करिए, आप गणेश जी की ध्यान कीजिए, वो आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। तो अब वेद व्यास जी क्या कर रहे थे, चले जाते हैं अब गणेश जी का ध्यान करने के लिए। वेद व्यास जी अब गणेश जी का ध्यान करते होते हैं कि तभी गणेश जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही गणेश जी उनके सामने प्रकट होते हैं, वेद व्यास जी अपना जो पॉइंट है वो रखते हैं कि हे गणेश जी, प्लीज़ क्या आप मुझे मदद करेंगे महाभारत लिखने में? तो गणेश जी तो बड़े चंचल हैं, उन्होंने कहते हाँ ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वेद व्यास जी ने पूछा क्या? एक शर्त बताया उन्होंने कि मैं एक भी पल के लिए रुकूंगा नहीं, मैं 24 घंटे पूरा साल लिखूंगा, एक सेकंड के लिए भी मैं नहीं रुकूंगा। वेदव्यास ने पूछा ऐसा क्यों? तो गणेश जी इसका जवाब देते हैं कि मेरा जो वाहन है, प्रिय वाहन, वो कौन है? मूषक राज। और मूषक उद्योगी होता है, वो कभी रुकता नहीं। आपने भी देखा होगा दिन में, अपने घरों में देखा होगा कि जो मूषक होते हैं उनके दांत हमेशा से कतर कतर चलते हैं, है ना? तो बस वही गणेश जी कह रहे थे कि मेरा मूषक उद्योगी है, मेरा जो वाहन है वो उद्योगी है, इसके कारण मैं भी उद्योगी हूँ। और जो जो व्यक्ति उद्योगी होता है, जो यानी निरंतर काम करते रहता है, वही पिग हेडेड डिसिप्लिन, उसकी रिद्धि सिद्धि दासी होती है। इसीलिए गणेश जी के पास रिद्धि है और सिद्धि है। तो वेद व्यास जी बोलते हाँ ठीक है। अब वेद व्यास जी भी बोलते हाँ ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। लेकिन वेद व्यास जी भी चालाक थे, उन्होंने भी अपना एक पॉइंट रख दिया वहां पे। कहा क्या कहा वेद व्यास जी ने? वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी शर्त तो मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब ऋषि ने पूछे अच्छा क्या आपकी क्या शर्त है? वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी एक शर्त यह है कि आप तभी लिखेगा जब आपको वो जो श्लोक है, वो जो वर्स है, वो आपको समझ में आए। तो गणपति जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से गणेश जी एग्री हुए, और वेद व्यास जी और गणेश जी ने मिलके पूरा महाभारत लिखा। अब जब कहते हैं महाभारत लिखना शुरू किए वेद व्यास जी और गणपति जी ने साथ में बैठ के, तो बेसिकली कहते हैं गणपति जी तो देव हैं, उनको खाना पीना ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन वेद व्यास ही महापुरुष है, वो महापुरुष है, अपने तपो से इतने महान बने हैं, तो उनको तो बाकी चीज़ों, अपने जो ज़रूरतमंद की चीज़ें उनको तो करना भी इसमें ज़रूरी होता है। अब महाभारत लिखते समय वेद व्यास जी करते क्या थे? वो गणपति जी को जानबूझकर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दे देते थे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड श्लोक दे देते थे, जिसमें गणपति जी को उसको समझने में गणपति जी को काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता था। और उसी वक्त में जो हमारे व्यास जी हैं, वो बाकी के अपने सारे काम कर लेते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गणपति जी को क्यों सिलेक्ट किया गया। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सिर्फ गणपति जी को क्यों सिलेक्ट किया? गणपति जी को सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि गणपति जी में वो काबिलियत थी पिग हेडेड डिसिप्लिन, यानी वो निरंतर अपना काम करते थे, इसलिए रिद्धि सिद्धि उनकी दासी है। और यही यही चीज़ को अगर कोई अपनाए अपने अगर लाइफ में ना, तो वो बिल्कुल सक्सेस हो सकता है। तो इस स्टोरी से हमने बहुत कुछ सीखा। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए बने रहिए और भी नए